वेल गाइस, कैश मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो 10 के ही डाउनलोड हुआ है, 4.8 स्टार रेटिंग्स है इस एप्लीकेशन का। लेकिन गाइस, इतना भी अच्छा एप्लीकेशन नहीं है। लोन मिलते हैं ठीक है, लेकिन इस एप्लीकेशन पे कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऐसा है जिसे अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा पहले ही, बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। मतलब कुछ लोगों के साथ लिटरली स्कैम किया है इस एप्लीकेशन ने ठीक है। अगर आप लोगों को पूरी चीज़ें इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं करना है। पहले कंप्लीट डिटेल जान लेना है कि कैसा एप्लीकेशन है, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आता है, आप लोगों के साथ क्या क्या स्कैम करने की ये एप्लीकेशन कोशिश कर सकता है। क्योंकि गाइस, आप लोगों को पता है जो भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन हम लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिलता है, हर एक एप्लीकेशन पर कुछ ना कुछ दिक्कत तो होता ही है। तो गाइस, अगर आप लोग कैश मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहते हो, पहले इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट जान लेना। और जिन लोगों ने भी भाई अनजानी में इस एप्लीकेशन पे अप्लाई किया है, फिलहाल प्रॉब्लम पे हो गाइस, आप लोगों को भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को क्या करना है, रिपेमेंट करना है या नहीं करना है, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाना है, हमारी व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन होना है। कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करना है। तो गाइस, कॉल मत करना, मैसेज करना, मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करने की जरूरत कोशिश करूँगा ठीक है। अभी गाइस देखो, ये कैश मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन, इसके बारे में पहले ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिस्की एप्लीकेशन है ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ इन लोगों ने लिखा है, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने जो 50,000 का लोन आप लोगों को मिलेगा लिखा है, आप लोगों को ये मतलब आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को हाई अमाउंट का कोई भी लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप लोगों को 5,000 से मैक्सिमम 7 to 8,000 का लोन इस एप्लीकेशन पे मिल सकता है। जो भी रिपेमेंट पीरियड है यहाँ पे इन लोगों ने 12 मंथ्स लिख के रखा है, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड मिलेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इन लोगों ने 20% पर एनम लिख के रखा है, लेकिन इतना लो इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। आपके इंटरेस्ट 30 to 35% तक जा सकता है। यहाँ पे एक प्रोसेसिंग फ़ीस भी है गाइस, और ये प्रोसेसिंग फ़ीस ना बहुत ही घटिया चीज़ है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग फ़ीस अगर आप लोग एक बार पेमेंट कर दोगे आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन कभी भी रिफंड नहीं करेगा आपको प्रोसेसिंग फ़ीस। अभी गाइस देखो, सिंपल ऐसा वाला लोन मिलता है, आप लोगों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को एडवांस पेमेंट कभी भी इस एप्लीकेशन पे नहीं करना है। अभी गाइस, ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस ये लोग ले रहे हैं ना, एडवांस पेमेंट आप लोगों से ले रहे हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को लोन मिल सकता है। तो गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी एडवांस पेमेंट मत करना। अगर आप लोगों से प्रोसेसिंग फ़ीस, कुछ भी लोन अप्रूवल फ़ीस, कुछ भी ये लोग पहले ही मांग लेना, आप लोगों को नहीं देना है। यहाँ पे 4.8 स्टार रेटिंग्स तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 स्टार पे जाएंगे तो बहुत लोगों ने यहाँ पे 1 स्टार रिव्यूज़ भी दिया है। काफ़ी इंडियन बंदे के रिव्यूज़ हम लोगों को मिल जाते हैं, जहाँ पे लोगों ने बताया है कि भाई 6 days 7 days के लिए लोन मिलता है। ये एप्लीकेशन पहले ही आप लोगों से प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है, और ये एप्लीकेशन ना गाइस आप लोगों से ECS मैंडेट भी साइन करवाता है। मतलब आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाएंगे, बैंक वाले आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट कर देंगे ठीक है। ऐसा वाला ECS मैंडेट जो होता है वो भी आधार से आप लोगों को ई साइन करवाता है। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट, आप लोगों को कोई भी ECS साइन नहीं करना है। ECS साइन करोगे तो गाइस आप लोग फंस जाओगे, ये एप्लीकेशन आप लोगों को लोन देगा नहीं देगा वो सिर्फ बैंक वाला नहीं देखेगा। बैंक को बस इतना पता है कि आपको इस डेट में इतना रिपेमेंट करना है, वो आपके अकाउंट से काट कर देंगे ठीक है। तो जो भी अप्लाई नहीं किया है अभी तक, तो आप लोगों के लिए ये 2 टिप्स है कि भाई एडवांस पेमेंट मत करना, ECS साइन मत करना। जिन लोगों ने ऑलरेडी गाइस इस एप्लीकेशन पे लोन ले लिया है, या तो फंस गए हो या तो आप लोगों ने ECS साइन कर दिया है, तो आप लोगों को सिंपली अपने बैंक का ब्रांच में जाना है, आपकी होम ब्रांच पर आपको जाना पड़ेगा। जाके कंप्लेन लिखो कि मैंने गलती से एक ECS पर अप्रूव कर दिया है अपना, और मुझे वो वाला ECS कैंसिल करवाना है। तो बैंक वाले आपके कंप्लेन के तहत आपकी जो ECS है उसे कैंसिल कर देंगे। अगर गाइस ये एप्लीकेशन आप लोगों को 6 महीना 3 महीना बोल के 6 days 7 days का लोन दे रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप लोगों को रिपेमेंट भी नहीं करना है ठीक है। आपकी सिविल स्कोर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएंगे। तो गाइस बस इतना ही बताना था इस एप्लीकेशन के बारे में। आप लोग देख सकते हो इतना भी अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, बकवास एप्लीकेशन है। लोन तो मिलते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट का लोन मिलता है, हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, और शॉर्ट रिपेमेंट पीरियड आप लोगों को मिलेंगे। तो ऐसा ही एप्लीकेशन है, यही इस एप्लीकेशन की रियलिटी है। अभी गाइस आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है, कुछ सवाल है मुझे पूछने के लिए, तो आप लोग कमेंट पे भी पूछ सकते हो, या तो आप लोगों को हमारी व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, मैं एक लिंक आप लोगों को दे दूंगा ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।